आज मैं आपको हरियाणा के एक झील के दर्शन करवाती हूँ, जिसकी मान्यता है कि जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आके यदि 2-3 बार मंगलवार या शनिवार को आके नहा के चला जाए तो उसकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हम भी आज लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे तो इस झील पे हम भी आज पहुँच गए हैं, रास्ते में थी। तो ये देखिए, ये है झील हरियाणा के एक गाँव की, और मैं भी इसमें नहाई हूँ आज। वैसे यहाँ का पानी कहते हैं कि इस झील में नेचुरल पानी आता है, कुछ बारिश का भी इकट्ठा होता है। तो इसकी जो गहराई से जानकारी है वो यहाँ पे एक मंदिर है, उस बाबा से हम पूछेंगे जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, झील आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी झील है यहाँ पे देखिए। वो देखिए, वो मेरा बेटा दिव्यांशु जो झील में नहा रहा है, वो काफ़ी टाइम, काफ़ी देर हो गई उसको नहाते हुए। दिव्यांशु, दिव्यांशु, हाय दिव्यांशु, लुक एट हेयर। ये है दिव्यांशु। आज इसका भी यूट्यूब चैनल है, बट ये उस पर ध्यान नहीं इतना देके, इसको नहाने की मस्ती है उसमें, ये पूरा मस्त हो रखा है दिव्यांशु। इसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम गोवा घूमने गए थे बीच पे, लेकिन जब ये छोटा था, शायद 4-5 साल का, तो इसको पानी से इतना डर लगता था कि ये समुद्र में गया ही नहीं, बीच के बाहर मिट्टी में अपने खिलौने बनाता रहा पर पानी में नहीं गया। आज थोड़ा ये बड़ा हो गया, 8 साल का, तो ये इसको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग लगभग आधा पौन घंटा, लेकिन अभी भी इसका बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी अच्छा है वैसे ये पानी ना, उस पानी में खारापन बहुत ज़्यादा है, शायद गंधक हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आयुर्वेद को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, और आयुर्वेद की जानकारियाँ ही मैं आपको देती हूँ। तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को, पेशेंट तो नहीं कहूँगी मैं, तो सिर्फ लोगों की हेल्प करती हूँ आयुर्वेद को जानते हुए, तो स्किन की प्रॉब्लम में गंधक की टेबलेट्स भी दी जाती हैं, गंधक रसायन भी दिया जाता है, जो मैंने भी काफ़ी सारे लोगों के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो आज मैंने भी इस झील में काफ़ी टाइम डुबकियाँ लगाई हैं, नहाई हूँ, और ये देखिए मेरा बेटा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। दिव्यांशु चले, दिव्यांशु, ये देखिए इसमें और भी काफ़ी सारे लोग हैं। इसमें दो घाट बने हुए, एक साइड लेडीज़ घाट है, एक साइड जेंट्स घाट है, बीच में ये दीवार है, और यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए भी दो स्नान घर बने हुए हैं, काफ़ी सुविधा है यहाँ पे। सामने मंदिर है, इस मंदिर में नहाने के बाद पूजा की जाती है। तो बाकी और सारी जानकारी हम मंदिर के अंदर जाके वहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे। ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग नहाने के लिए आते हैं, पवित्र स्थान माना जाता है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हम तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे दिल्ली से, तो हरियाणा की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लॉकडाउन में, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आज का मौसम भी कुछ अच्छा है। तो बीच रास्ते में हमें ये झील का पता चला तो हम भी यहाँ नहाने आ गए। तो बताइए कैसा रहा आपका ये झील का सफ़र जो मेरे साथ है आपका। यदि मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।